आंखों में आंसू छुपाए असिस्टेंट शांतनु, जो बुढ़ापे में बने रतन टाटा का सहारा। रतन टाटा हर रतन टाटा के निधन से सारे देश में दुख की लहर देखने को मिली। उनकी अंतिम याद में हजारों लोगों की भीड़ शामिल थी। देश दुनिया के तमाम दिग्गज रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई में रतन टाटा का अंतिम संस्कार हुआ। पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले रतन टाटा के अंतिम संस्कार में तमाम धर्मों के पुजारी पहुँचे थे, लेकिन सबकी नजरे रतन टाटा के सगे छोटे भाई और उनकी माता से बड़े को आखिरी विदाई देने पहुंची थी। मैंने किसी को अभी बोला कि मैंने जब अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है, आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और यह सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है, तो आधी जिंदगी में उनको जानता था। और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितने विनम्रता से वे पेश आए, मैं कौन हूँ कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी, पर उन्हें यह लगता था कि हाँ, कि मैं अगर सोहेल के साथ बैठूंगा तो हंसी मजाक होगा। और एक एक बात है, मिस्टर टाटा में एक खासियत यह थी कि वो सच के पहरेदार थे। अगर आप उनको सच एडवाइस देते, उनको वही पसंद था। वो उनमें से नहीं थे कि भाई आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो वो जो उनकी खासियत थी, वो बहुत यूनिक थी, एक चीज है। वह एक सफल बिजनेसमैन थे, ये सभी लोग जानते हैं। उनकी फिफी के बारे में भी इसे मशहूर है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर कैसे थे वो। एक पर्सनल टच जो उनका लोगों के प्रति होता था, अपना स्टाफ, अपने दोस्त या अपने जानने वाले। आप, मैं आपको एक बात बोलूं, अगर वे कहीं बाहर जाते तो यह नहीं कोई स्टाफ अलग टेबल पर खा रहा है और कोई और अलग टेबल पर खा रहे हैं। सब एक साथ खाते थे, सब एक साथ रहते थे, सब एक साथ प्यार से रहते थे, और सबकी देखभाल जो उन्हें देखिए। मैं आपको एक बात बोलूं, अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रिनोवेट हुआ और चंद्रशेखर जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रिनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडिया रेस्क्यू डॉग है उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत, इंसानियत यह नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहे, पर इंसानियत यह होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है वो इंसानियत। सर बिजनेसमैन तो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने मनी फोल्ड बढ़ाया जो पूरा रेवेन्यू था अने ग्रुप का, लेकिन इंसान के तौर पर बद सफल आपने बताया हमेशा उन्हें। हार्ड लैंडिंग में एयर फ्रेम डैमेज भी कुछ नजर आ रहा है, यानी हेलीकॉप्टर की बॉडी को कुछ नुकसान भी पहुंचाए। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। अंजना, तस्वीरों में हम देख सकते हैं हर ओर पानी ही पानी, बहुत जबरदस्त बाढ़, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हार्ड लैंडिंग के बारे में? गौरव, यह आज मतलब अचरज की बात है, हम लोग यहीं पर सीतामणि में जो सुनीनी सैदपुर जगह है वहां पर बाढ़ की कवरेज कर रहे थे, तभी खबर आई यहाँ मुजफ्फरपुर में, और हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, बेहद सुरक्षित वैसे तो माना जाता है यह हेलीकॉप्टर। और सिंचन ग्लेशियर हो या सुदूर उत्तर पूर्व, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की है। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। अंजना, जबरदस्त बाढ़, हर ओर राहत में लगाए हेलीकॉप्टर, क्या जानकारी मिल पा रही है इस समय? अंजना, अंजना से एक बार फिर संपर्क साधने का, बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दरअसल नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद 29 सितंबर को कोसी बैराज वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह 1968 के बाद छोड़ा गया सर्वाधिक पानी है।
इस बैराज से 1968 में अधिकतम 7.88 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसी वजह से बिहार और यूपी के तमाम जिलों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक आपदा की स्थिति को देखते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से दो जिलों सीतामढ़ी एवं दरभंगा जिला में पानी से घिरे गांवों में सूखे राशन के पैकेट गिराए गए। प्रभावित आबादी में से लगभग 26,000 लोगों को जिला प्रशासन द्वारा राज्य आपदा मोचन बल SDRF, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF तथा स्थानीय नावों के माध्यम से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा गया है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए। सुरक्षित निकालने के लिए NDRF की कुल 16 टीमें में SDRF की कुल 14 टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त वाराणसी और रांची से NDRF की 3-3 टीम बुलाई गई है और उन्हें विभिन्न जिलों में राहत एवं बचाव कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने एक दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की थी। चौधरी ने कहा कि उन्होंने पाटिल से अपील की है कि वे नेपाल की सीमा से सटे इलाकों में हर साल होने वाली बाढ़ को रोकने के लिए एक अतिरिक्त बैराज के निर्माण पर विचार करें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और बिहार के हाजीपुर से लोकसभा सदस्य चिराग पासवान ने पूर्णिया और सहरसा जैसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में घंटों बिताए और राहत कार्यों का निरीक्षण किया, लोगों की शिकायतें सुनी तथा कुछ स्थानों पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वायुसेना का हेलीकॉप्टर पानी में गिरा, बिहार में बाढ़ राहत सामग्री ड्रॉप करते वक्त हादसा। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए।